हाय एवरीवन, सो फाइनली मैं आ गई हूँ। पहले मैं बोल रही थी हम लोग आ गए हैं, सो मैं कर लिया हम आ गए हैं अपने नाइट केयर स्किन केयर रूटीन लेकर। एंड मैं पहले नाइट सूट पाया, जिद्दे भी पाया, मैं कहा यार ये बैंड मूड मैच कर रहे हैं, चलो आज ही बना लेते हैं नाइट केयर स्किन केयर रूटीन। इन्ने मैसेजेस से गए कुछ कहती हद नहीं, एंड होपफुली आपके लिए भी ये रूटीन यूजफुल रहे। मैं सिर्फ वो रूटीन दस रही हूँ जो मेरे लिए वर्क कर रही है, और बहुत टाइम तो बाद मैंने लगता मेरी कोई सी सेटलमेंट हुई है किसी रूटीन लिए। सो मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, मेरे अकॉर्डिंगली मुझे जो वर्क करा है वो मैं वो एग्जैक्टली आप सबको बताने वाली हूँ। सो सब तो पहले बोलूँगी, चाहे मेकअप किता होवे या ना किता होवे, डे में आप बहुत बार सनस्क्रीन लगाते हो। मैं तो 2 से 3 बार लगाती हूँ, क्योंकि बाहर जाना, हमेशा लाइट्स में रहना, तो मेरे सनस्क्रीन के बिना मेरा काम नहीं चल सकता। आज मैंने मेकअप नहीं किया हुआ, अगर मेकअप किया है चाहे नहीं किया है, डबल क्लेंजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज़ बेसिकली अ डबल क्लेंजिंग? सो अब पहले तो मैं बता देती हूँ, बाम जैसा टेक्सचर होता है, आप जब अपना मेकअप करते हो उसके साथ अपना फेस क्लीन करते हो तो ईजिली रिमूव हो जाता है सारा का सारा मेकअप, बहुत ज़रूरी है। मैं वेट वाइप्स नहीं यूज़ करती हूँ, टू बी फ्रैंक, मैं कॉटन पैड्स बहुत कम यूज़ करती हूँ अपने फेस को क्लीन करने के लिए। सो जो क्लिनजिंग बाम मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ रिकोड का। मेरा बहुत एक्सेसिवली यूज़ होता है तो मेरे को रिकोड बहुत अच्छा लगता है। आप लोग क्लिनिक का यूज़ कर सकते हो, उसका बहुत अच्छा है। फैशन कलर का क्लिनजिंग बाम बहुत अच्छा है। सो मैंने कुछ अच्छी अमाउंट ली है अपने हैंड पे, एंड उसको अच्छे से करूँगी फेस पे मसाज। इसका प्लस पॉइंट क्या है, आपको जोर जोर से अपने फेस को रगड़ना नहीं पड़ता। जो तुम जितना ज़्यादा रगड़ोगे उतना ज़्यादा ड्राई होएगा फेस आपको, मतलब आपको बहुत ही ऐसे लगेगा खिंचा खिंचा। इन शॉर्ट वेट वाइप्स तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। जल्दी एक वेट वाइप्स है मेरे पास, वो बहुत अच्छे हैं, एकदम से क्लीन कर देते हैं आपके मेकअप को। पर नॉर्मली मैं साल में कहने आप प्लीज़ स्टॉप यूजिंग वेट वाइप्स। आप देख लोगे कि उसके बाद आपकी स्किन, जब आप ये बंद कर दोगे और ये यूज़ करोगे, यू विल फील मतलब ड्रास्टिक डिफरेंस। सो अच्छे से किया, और मैं हल्का सा लेने लगी हूँ हाथ में पानी, एंड अच्छे से करेंगे इसको मसाज। मैं 60 सेकेंड्स तक ऐसे करती हूँ, और मैं अब फेस को करने लगी हूँ क्लीन। अपने आईज को भी अच्छे से क्लीन करना है इसके साथ, ताकि सारा का सारा मेकअप आपका उतर जाए। तो पहला स्टेप हो गया मेरा, नाउ सेकेंड स्टेप इज फेस वॉश। प्लीज़ जेड़े भी बंदे बिगनर्स स्पेशली क्लीन एंड क्लियर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, स्टॉप यूजिंग दैट। बहुत सारे अच्छे रीजनेबल अमाउंट में भी मॉइस्चराइजर्स आते हैं, तो मैं अगर ट्राई करूँगी, मैं लिंक कर दूँगी वो वाले मॉइस्चराइजर्स। ट्राई टू यूज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी माइल्ड, एक्स्ट्रा फोम और एक्स्ट्रा झग बनाने वाले यूज़ मत करो। एक सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम बायोडर्मा, दिस इज फॉर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन, आई एम लविंग दिस वन, दिस इज़ फ्रॉम बायोडर्मा गाइज वन। ये तो भाई इतना ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट है, मुझे लगता है कितना टाइम हो गया मैं इन्नी बॉटल्स यूज़ कर चुकी हूँ। दिस इज़ फ्रॉम सेटाफिल, अमेजिंग प्रोडक्ट, और हर जगह तो मिल जाएगा इजीली। जिनको थोड़ा सा फॉर्म बेस्ड चाहिए बेसिकली, सो दिस इज़ फ्रॉम कहते हैं पर्सनल टच, दिस इज़ फ्रॉम पर्सनल टच। जिनको थोड़ा फॉर्म बेस्ड चाहिए उनके लिए ये है पर्सनल टच, अमेजिंग। जब मेरा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मेकअप हो जाता है, आई नीड समथिंग कि उसको अच्छी तरह से क्लीन कर दे, तो मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। दिस इज़ गुड फॉर ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, इट वर्क्स अमेजिंग। सो ये वाला भी ले सकते हो। मैंने फेस वॉश ले लिया है, और अच्छे से करेंगे अपने फेस को क्लीन ना। उसको बोलते हैं भाई डबल क्लेंजिंग, 2 बार क्लीन करना अपना फेस, एक बार बाम से क्लीन करना और एक बार फेस वॉश से क्लीन करना। अच्छे से क्लीन करें 1 मिनट तक, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 60 सेकेंड्स, और अच्छे से क्लीन करने के बाद वॉश करूँगी और फिर दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। सो गाइस, एक और फेस वॉश है जो मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, दैट इज़ फ्रॉम डर्मा बे। उसका भी फेस वॉश अमेजिंग है, ऑल स्किन टाइप है, इजीली रिमूव कर देता है डर्ट को। मैं अपने साथ लेके गई थी जब होली थी, वहाँ पे मुझे फेस वॉश करना पड़ा, मेरा एक पैकेट पूरा का पूरा सीरम्स एंड एक्स वाई जेड का नीचे पड़ा हुआ है। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी उसको, वो वाला फेस वॉश भी ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया काम कर। सो अच्छे से फेस वॉश किया, अच्छे से टाल के साथ सोप किया। ए मैंने लगता वीडियो वैसे ही रहेगा, सिर्फ थोड़ा बहुत जड़ा टोनर, मैंने एक दो टोनर्स और राइस वाले मंगवाए हुए हैं, मेरा बहुत जल्दी पसंद आ जाएगा। सो दिस इज फ्रॉम टोनी मोनी का है वंडर राइस सूदिंग टोनर। मुझे राइस टोनर्स आजकल बहुत पसंद है भाई, हमें कोरियन स्किन बहुत पसंद है। सो ये लास्ट ही रह गया जो बचा बुचा माल है, लेंगे और अच्छे से डैप करूँ
ऑल ओवर माई फेस एंड माई नेक. कुछ भी लगाती हूँ ना, मेरे को नेक पे लगाने की बहुत ज़्यादा आदत है. कभी भी कोई भी टोनर नहीं लगाना है जब अपने रेटिनॉल लगाना है नाइट में स्पेशली, जिसके अंदर कोई भी ग्लाइकोलिक एसिड हो या कुछ ऐसा जिसके साथ आपके फेस को हो जाए बहुत ज़्यादा इचिंग, राइट. सो ये मैं कभी कभी, मेरे को वेला टाइम होता है फिर मैं एक तो दो तो तीन में पहले एक बार लगानी है, फिर अच्छे से ट्राई कर लूँ दूसरी लगा लेनी है. सो इट वर्क्स अमेजिंग फॉर मी. सो दिस इज अ राइस टोनर. सो गाइज नेक्स्ट स्टेप, बहुत लोग का नेल बारे सुने, दिस इज नेल म्यूसिन एसेंस फ्रॉम कॉसरेक्स. ये सब लोगों के बहुत अच्छा सूट करता है. बहुत घट परसेंटेज है जिन्होंने सूट ना किया हो, बट इट प्लम्स योर स्किन स्किन हाइड्रेट्स योर स्किन. बीच में तुथला क्यों नहीं हूँ भाई, चलो इट्स ओके. ठीक है, सो आई विल बी टेकिंग दिस, आई एम टेकिंग अप्रॉक्सीमेटली 1.5 पम्प. एंड ये देखो मेरा तो है नहीं यार, पता नहीं वीडियोज में बहुत दिखाते हैं. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट ऑल ओवर माई फेस एंड माई नेक टू. नेक को कभी नहीं भूलने का भाई साहब, फेस पे लगाने का तो नेक पे भी लगाने का. तो जो भी प्रोडक्ट्स अभी तक आए हैं वो सब के सब कोई भी फ्रेशर है वो लगा सकता है इजी बिजी. ठीक है, सेकंड टोनर के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एसेंस. ये हमने लगा लिया है फेस पे, 30 seconds टू 60 seconds वेट करते हैं असी. जिनकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है वो 30 seconds में बहुत जल्दी ड्राई होने लग जाता है आपका प्रोडक्ट. तो आपको इंस्टेंटली यू नीड नेक्स्ट सीरम जो कि है हाइड्रेटिंग सीरम. तुसी ये ऑप्शनल है गाइस. सो जो लोग यूज कर रहे हैं कॉसरेक्स उसके अंदर ऑलरेडी हाइलुरोनिक एसिड होता है, बट जिनको लगता है कि नहीं मुझे आई नीड एन एक्स्ट्रा लेयर, आई मुझे हाइलुरोनिक एसिड चाहिए, तो उसके बाद हाइलुरोनिक एसिड लगा सकते हो. अदरवाइज ये भी लगा लोगे तो डन है. और अगर कई लोगों को इस पे इन्वेस्ट नहीं करना हो ना, लगता है कि यार ये महंगा है मैं नहीं इन्वेस्ट कर सकता इस, तो फेस वॉश करो टोनर करो देन यू कैन यूज हाइलुरोनिक एसिड सीधा. समझ आया, फेस वॉश करें ठीक है, उसके बाद टोनर करें एंड देन यू हैव टू यूज हाइलुरोनिक एसिड. टोनर के बाद वेट नहीं करना, हाइलुरोनिक एसिड साथ में लगाना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फेस बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और हाइलुरोनिक एसिड हमेशा गीले स्किन पे लगता है. सो बहुत सारे लोग हाइलुरोनिक एसिड यूज कर रहे हैं फ्रॉम लॉरियल. ये मेरा ऑलमोस्ट डन है, ये मैंने यूज कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा वर्क करता है हाइलुरोनिक एसिड. दूसरा आ जाता है फ्रॉम ऑर्डिनरी, ये बॉटल इज ऑलमोस्ट डन. सो दिस इज फ्रॉम ऑर्डिनरी. आप ये भी लगा सकते हैं बट मैं आजकल लगा रही हूँ दिस इज फ्रॉम डर्मा बे एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस. दिस इज माई सेकेंड बॉटल एंड आई एम गोइंग टू पुट इट ऑल ओवर माई फेस. सो आई वेट फॉर लाइक 30 to 40 seconds एंड आई प्लेस इट ऑल ओवर माई फेस एंड माई नेक. इट हाइड्रेट्स माई स्किन लुक्स नाइस, प्लम्पी फील होती है, ड्यूई फील होती है एंड आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट के बाद यू कैन यूज जस्ट योर मॉइस्चराइजर, लॉक करके सो सकते हैं. ये है इतनी रूटीन बिगनर्स के लिए, राइट. बट अगर आपको लगता है नहीं यू हैव सम डार्क स्पॉट्स या फिर आपको लगता है मेरी स्किन डल लगती है, सो उसके लिए यू कैन लॉक इट विद अ नायसनमाइड. सो जो नायसनमाइड मैं यूज कर रही हूँ दैट इज अगेन फ्रॉम डर्मा बे. मैं इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही हूँ विदाउट एनी प्रमोशन, ओके, क्योंकि मैंने बहुत पसंद है. मेरी स्किन तो बहुत वधिया काम करते हैं. सो दिस हैज 5% ऑफ नायसनमाइड प्लस 1% ऑफ हाइलुरोनिक एसिड. सो नायसनमाइड लेंगे इसके बाद 30 seconds वेट करेंगे या 40 seconds या फिर आपको लगता है 60 seconds, तो हम लोग लेंगे कुछ ड्रॉप्स इसके एंड वेरी सॉफ्टली आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेस इट ऑल ओवर माय फेस. ये सेम रूटीन ना मॉर्निंग में भी कर सकते हो, इतनी मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम इतना कर सकते हैं, राइट. कैन यू सी माई स्किन लुक्स सुपर ग्लोइंग. सो नायसिनामाइड के बाद आप लोग यूज कर सकते हैं मॉइस्चराइजर. मॉइस्चराइजर लगाओ और लॉक करो फेस को. सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज माई मॉइस्चराइजर. सो दिस इज फ्रॉम बायोडर्मा, एक्सट्रीमली हाइड्रेटिंग. सो मैं नेक्स्ट जब आऊंगी अगली स्किन केयर वीडियो के साथ मैं एक दो और मॉइस्चराइजर आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत सारे ऑप्शन बताऊंगी तो यू विल गेट कंफ्यूज. जिनकी स्किन है ऑयली, राइट, वो लोग यूज कर सकते हैं वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर. मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि
मॉर्निंग में चाहे स्किप कर दो अपना मॉइस्चराइजर, पर रात को यू नीड लिटिल बिट ऑफ ए हाइड्रेशन. तो आप लोग वाटर बेस्ड रूल यूज करें मॉइस्चराइजर अपने फेस पे. सो गाइज, वंस एवरीथिंग इज नाइसली एब्जॉर्ब्ड, आपने 5 से 7 मिनट वेट करना है, देन यूटिंग द रेटिनॉल. पर जो बिगनर्स है कि नहीं, प्लीज़ यहाँ तक अब बंद कर सकते हैं, रेटिनॉल तक मत आएँ. पहले ये वाला जो प्रोसेस है 2 वीक्स आराम से करें, ताकि आप हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्राई करेंगे रेटिनॉल, इसके अलावा नहीं करेंगे. मैं हफ्ते में अभी भी 2 बार ही करती हूँ ये वाली, ऑल्टरनेटिव डे में. मैं ज़्यादा रेटिनॉल अभी भी यूज़ नहीं करती, मेरी स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव. आज मेरी ज़्यादा सेंसिटिव क्योंकि होली का दिन था, होली के दिन के कारण मुझे कलर्स के कारण थोड़ी सी ड्राइनेस हुई है. अगर आपको लगता है ये स्किन उस दिन जिस दिन आपने रेटिनॉल से बहुत ज़्यादा ड्राई है, सो प्लीज़ गाइज, आज मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, स्किप कर दें रेटिनॉल वाला, फिर कभी यूज़ करना शुरू करें. सो ड्राई करने के बाद मैंने सैंडविच मेथड इसीलिए किया है. सो बेसिकली व्हाट इज़ सैंडविच मेथड, जब आप एक मॉइस्चराइजर लगाते हैं, फिर रेटिनॉल लगाते हैं, फिर मॉइस्चराइजर लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली सैंडविच मेथड. उससे आपको फेस को इरिटेशन होती है कम. सो अभी तक जो मुझे रेटिनॉल मेरे लिए सूट किया है, दैट इज 0.2% फ्रॉम डर्मा बे. इसके अलावा अभी तक मेरे को कोई रेटिनॉल सूट नहीं किया. और यू कैन यूज़ रेटिनॉल क्रीम्स ऑल्सो, जो कि ओनली की क्रीम आती है ना रेटिनॉल वाली, आपने हमेशा रेटिनॉल क्रीम भी अगर लगानी है तो प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग अ पी साइज अमाउंट. अगर आप बिगनर हो तो देन यू कैन यूज़ अ रेटिनॉल क्रीम ऑल्सो. सो एम गोइंग टू टेक दिस एंड वेरी सॉफ्टली आई जस्ट डैब इट ऑल ओवर माई फेस. किन चीज़ों को अवॉइड करना है रेटिनॉल लगाने टाइम, अपने नोज के कॉर्नर्स को, अपने लिप्स के कॉर्नर्स को, आइज के नीचे, इन सब चीज़ों को करना है अवॉइड. और ये एक ऐसा सिरम है या फिर आप ऐसी क्रीम यूज़ कर रहे हो रेटिनॉल, उन्हें इधर उधर करके ना मलना नहीं है. जिस दिन मलना शुरू कर देता उस दिन तुम्हारी स्किन सारी बर्न हो जाएगी गाइस. बर्न मतलब ऐसा जलन वर्गी फीलिंग उतर हो जाएगी. सो प्लीज़ उस टाइम के लिए आप ध्यान रखें. अब मैं इसको फिर से आई मेक श्योर कि ये भी अच्छे से ड्राई हो जाए. आई वेट फॉर 5 मिनट्स देन एंड पुटिंग मॉइस्चराइजिंग के लेयर, ताकि ये सब कुछ लॉक हो जाए. कभी कभी ऐसा, जब वैसे तो मेरी स्किन हमेशा सही रहती है, मैं बहुत केयर करती हूँ. नाइसिनामाइड के बाद मैं सीधा रेटिनॉल लगा लेती हूँ, आई डोंट पुट मॉइस्चराइजर. थोड़ा सा वेट करके नाइसिनामाइड अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, देन आई पुट रेटिनॉल एंड देन आई पुट मॉइस्चराइजर. बट आज मेरी थोड़ी सी सेंसिटिव सी स्किन एंड आई डोंट वॉन्ट कि मेरी सुबह सुबह रेडनेस हो जाए स्किन पर, तो आई यूज सैंडविच मेथड. अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लग्या हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो साथ, तो ताकि मैं तुम्हें थोड़ा होर ईजी वे दे सिखा सकता. बट आज मैं पूरा जो प्रोसेस एग्जैक्टली करती हूँ, आई ट्राइड कि मैं वो ही चीज़ आपके लिए लेकर आऊँ. सो अच्छे से हो गया सब कुछ अब्जॉर्ब. नाउ आई एम गोइंग टू टेक माय मॉइस्चराइजर एंड लॉक इट. सो दिस इज माई स्किन केयर रूटीन जब हम यूज़ करते हैं अपना रेटिनॉल. प्लीज़ नेक को मत भूलिएगा, सब तो पहले लाइनें ऐसी पहनी ने. सो मैंने इसको ज़्यादा फन वीडियो नहीं बनाया, मैं थोड़ा ता सेंसिबली गल कर रही हूँ, इदा ना हो सारे प्रोडक्ट्स उसे इकट्ठे यूज़ करने शुरू कर दो. प्लीज़ एक एक करके इंट्रोड्यूस करो. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो भी मैंने सिर्फ बताया, सब तो पहले जाके बाय करेंगे, सारे डब्बे खोलेंगे. नो गाइस, एक प्रोडक्ट निकालो. जैसे कि सबसे पहले आप लाइफ में हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करना शुरू करो. हाइलुरोनिक एसिड हमेशा डैम स्किन पे यूज़ होता है, नायसिनामाइड हमेशा डैम स्किन पे यूज़ होता है. अगर स्किन इज ऑयली देन यू कैन स्किप हाइलुरोनिक एसिड, सिर्फ नायसिनामाइड यूज़ कर लो. ठीक है, अगर आपकी स्किन लगती है ड्राई, देन आपने टोनर लगाया, हाइलुरोनिक एसिड लगाया, 60 seconds वेट किया या 30 seconds वेट किया, देन यू हैव यूज नायसिनामाइड. एंड देन उसके बाद 30 seconds या 60 seconds वेट करने के बाद पुट अ मॉइस्चराइजर के लिए. राइट, नाउ दिस इज बेसिक रूटीन जो आप हर दूसरे दिन यूज कर सकते हो, या एवरी डे यही रखो, ताकि हफ्ते में जो नेक्स्ट वीक होगा उस जब आप रेटिनॉल यूज़ करोगे, तो पूरे हफ्ते में से कोई एक दिन रखना जिस दिन आपकी स्किन बिल्कुल ठीक होगी, उस दिन आपने रेटिनॉल यूज़ करना है. एंड प्लीज़ जब आप स्टार्टिंग करोगे रेटिनॉल के साथ, तो मैं प्लीज़ हाथ जोड़ के साथ ना बेनती कर दिया, सैंडविच मेथड ही यूज़ करना है, इससे अलावा कुछ मत यूज़ करना. गाइज, नाउ आई एम यूजिंग पेरेनिका लिप बाम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिप बाम लगाना मत भूलिएगा. It's done.
एक और चीज बता दूं, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो और रेटिनॉल इंट्रोड्यूस करना चाहते हो अपने स्किन केयर लाइन में, उस दिन की करना फेस वॉश करना, मॉइस्चराइजर लगाना, ठीक है, 5 मिनट्स वेट करना, रेटिनॉल लगाना, मसाज नहीं करनी रेटिनॉल दी, बस वेरी सॉफ्टली जस्ट डैब इट ऑल ओवर योर फेस, क्रीम लगा रहे हो हल्का हल्का ऐसे करके ब्लेंड कर लेना, 5 मिनट्स वेट करना एंड देन पुट अगेन अ मॉइस्चराइजर के लिए, बस कोई सिरम ना लाना उस दिन, कुछ ना लाना उस दिन, ऐसे करके मैं भी अपनी लाइफ इंट्रोड्यूस किया, मैं भी गलती की रेटिनॉल के नाल बहुत बार पूरा मुंह फट गया सीगा, एंड इट टुक लाइक मैंने हफ्ता लग गया से अपनी स्किन में वापस बैक लैके आने में। सो प्लीज़ ये छोटी छोटी गलतियाँ ना करना, मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन किया क्योंकि मैं सिर्फ अपनी रूटीन दसी है, जे बिगनर है हो तो बहुत सॉफ्टली करना। अगर आप ऐसे ही और स्किन केयर वीडियोज़ चाहते हो या बिगनर्स के लिए चाहते हो कि कितने प्रोडक्ट्स कब लगाने चाहिए, कैसे लगाने चाहिए, सो डेफिनेटली हमें बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आप सबके लिए ये बहुत ही यूजफुल रही होगी वीडियो। टिल देन लव यू ऑल, बाय, एंड लेट मी जस्ट शो यू कि मेरी अभी स्किन कैसी लग रही है, बलब। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। दिखा देती हूँ, दिस इज द क्लोज अप लुक।